नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, देश भर में मचे बवाल के बीच में नागरिकता बिल पारित हो गया है। 11 दिसंबर जब बिल पेश हुआ तो जिसमें पक्ष में 125 वोट पड़े और विपक्ष में 99 वोट पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल से संबंधित सारे जवाब को दिया और इस बिल को लागू होने के बाद पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों, नागरिकता बिल आखिर है क्या, जिसमें संशोधन किया गया और अब इतने सारे बवाल, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बिल को मैं बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ना चाहती हूँ ताकि इसकी जानकारी होना सबके लिए ज़रूरी है। जो बिल संसद से पेश हुआ, इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत आसपास के देशों से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इस बिल के कानून में तब्दील होने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत आएंगे, उन्हें यहाँ की नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मुसलमान आएंगे तो उनको भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। जो गैर मुस्लिम होंगे उन्हें भारत में कम से कम 6 साल बिताने होंगे, तब उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। पहले नागरिकता देने का जो ये पैमाना था वो 11 साल का था। तो साथियों, इस बिल को लेकर के मेरे कई सवाल हैं। सबसे पहले मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर नागरिकता कानून बिल में संशोधन क्यों कर रही है, जबकि पहले से ये कानून ऑलरेडी बना हुआ है। या संशोधन जब से हुआ, शायद यही एक मेन कारण है कि आज भारत देश का एक पक्ष उबल रहा है जो इस कानून के खिलाफ में है, जो उसको मंजूरी, जो कई तरह की पीड़ा हो रही है देख करके, सुन करके। जब 1955 में ये कानून बना, तब से अब तक में जब 8 बार ऑलरेडी इस कानून में संशोधन हो चुका है, तो अब क्या ज़रूरत है इस सरकार को इसमें कूदने की। अरे भाई, मैं कहती हूँ कि जब हमारे पास अधिकार है, हमारे संविधान ने हमें हर तरह का अधिकार दे रखा है, सबसे बड़ा अधिकार जो समानता का अधिकार है, आप उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं। अरे संविधान ने तो हमको रहने का सबसे बड़ा अधिकार दिया, घूमने फिरने का अधिकार है, खाने का, पीने का, मनोरंजन करने का, अपनी बात कहने का, खुल के बोलने का, अपने मन का साथी चुनने का। तो जो इतने सारे अधिकार हैं, आप इन अधिकारों का हनन क्यों कर रहे हो, आप क्यों संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हो। मैं कहती हूँ कि जब सरकार बनती है, जब चुनाव होता है, तो उसी संविधान के अंडर में आप चुनाव लड़ते हो, आप सरकार बनाते हो और काम करते हो। अगर इस तरह की समानता अपने भारत में खत्म कर दी जाएगी तो बहुत ही कष्टदायी बात है। एक तबका है जो बहुत खुशियां मना रहा है, बधाइयां दे रहा है, सोशल मीडिया उससे भरा हुआ है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ सरकार को कि इतने दिन के अनुभव में और रिपोर्टिंग में कि भाईचारा जिस तरह से बना हुआ है अपने भारत में, अपने इलाके में, अपने गांव में, सरकार कितने भी फंडे अपना ले, ये भाईचारा टूटने वाला नहीं है। और जितनी बड़ी ये राजनीति सरकार कर रही है, ये सब कोई समझ रहे हैं, बच्चा बच्चा समझ रहे हैं। मुझे अच्छे से पता है कि लोगों में भय पैदा करने के लिए, डरवाने के लिए और वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए यह पूरा फंडा अपनाया गया है। असम में, महाराष्ट्र में, पूर्ववर्ती का जितना भी इलाका है, वहाँ से लोग सड़कों पर हैं, लोग रातों दिन एक कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। अरे सरकार, क्यों ऐसे आप कर रहे हो, आखिर कौन सी दुश्मनी अपने देश के मुसलमानों से है। हालांकि बहुत लोग करें, लेकिन अगर आप इस कानून के अंदर जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तो इस कानून के अंदर सिर्फ मुसलमानों बस की बात नहीं है। अगर ये बिल पूरी तरह से भारत में लागू होता है तो इसमें कौन कौन लोग प्रभावित होंगे। अभी सबके दिमाग में हिंदू मुसलमान ही भरा है। इसमें जो प्रभावित होंगे उसमें अनपढ़ लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, ठीक है। जो कागजात की बात हो रही है कि आपको नागरिकता
तब दी जाएगी जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मान लो मैं भारत की निवासी हूँ, मेरा पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनका हर जगह रिकॉर्ड, मतलब सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में। कई बार होता है कि सरकार के कर्मचारियों की वजह से ही हमारे डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग में गलतियाँ होती हैं। पिता का नाम अगर कुछ है लेकिन उसमें उन्हीं की टाइपिंग की वजह से एक अक्षर कुछ गलत लिख जाता है, और वही एक वजह होती है कि हमको लाइन पर खड़ा कर देती। मान लो मैं अगर एक मजदूर वर्ग हूँ, या कोई भी एक्स वाई जेड आप ले लीजिए, जिनके पास इन कागजों को सुधरवाने के लिए पैसा नहीं है, समय नहीं है, 50 बार वहाँ पर जा रहा तब भी अगर वो का नहीं सुधर रहा है तो फिर इसमें क्या करेंगे? तो जो राजनैतिक पार्टियां हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो अपना कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप एक तबका को तबाह करने की पूरी तरह से तैयारी हो रही है। अब मैं कहती हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन लोगों को इस पर बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। तो साथियों, मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, और जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सरकार ऐसे मुद्दों पर इस देश की जनता को भड़का रही है, लड़ाने का काम कर रही है, सड़क पर उतार रही है, ताकि जो सरकार की चुनाव के समय की जो घोषणाएं की गई थी, सरकार उनसे लोगों का ध्यान बटाना चाह रही। अपना देश जूझ रहा है बेरोजगारी से, भूखमरी से, बीमारी से, शिक्षा नहीं मिल पा रही है लोगों को, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मेरे इलाके के लोग, बुंदेलखंड के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। यहाँ के किसानों की इतनी दुर्दशा है, गायों की इतनी दुर्दशा है, आए दिन गाय मर रही हैं भूखी, उनके खाने के लिए नहीं है, उनकी छत छाया के लिए इस तरह की ठंडी पड़ रही है। अरे भैया, कितना कुछ हो रहा है, अत्याचार इतना बढ़ रहा है, महिलाएं मारी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, पानी की समस्या है, लोग पानी के लिए बूंद बूंद भर इस ठंडी में भी तरस रहे हैं। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए। अरे आप ऐसी चीज़ें करो ना कि जनता भी थोड़ी खुश हो, सुकून मिले। क्यों इन चीज़ों में, इन बवालों में सरकार लोगों को और जनता को फंसाना चाहती है, आपस में बंटवारा कराना चाहती है, इससे क्या मिल जाएगा? जो सरकार की घोषणाएं थी चुनाव के टाइम पे, आप उसमें काम करिए। पूरी जनता समझ रही है कि भारत पाकिस्तान कश्मीर में जो भी हुआ, जो धारा 377 हटाई गई, उसके बाद कितना कुछ हुआ, अभी NRC है, फिर राम मंदिर हो गया, इन सारी चीज़ों से जनता समझ रही कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति हो रही है, ये वोट के लिए, आप वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो चुनाव आने वाला है ना, तो सब जनता समझती है, ये सरकार समझ ले। तो साथियों, कैसे लगा ये वाला शो? आप ज़रूर से अपने सुझाव और टिप्पणी मुझे लिख करके भेजते रहिए। आप मेरे चैनल खबर लहरों को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर शो आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों, खबर लहरों को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट लिख करके भेजें। तो अगले शो में मैं फिर मिलती हूँ कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक ले नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।